दोस्तों आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू ऑफ दिस वेगा T1 बियर्ड ट्रिमर और पता करेंगे इस ट्रिमर की परफॉर्मेंस कैसी होती है। तो इस वीडियो को अंत तक आप देखिएगा जरूर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक गुप्ता और आप देख रहे हैं learnabhi.com। हर दिन सीखो कुछ नया। बॉक्स की अगर हम टॉप पे देखें तो हमें मेंशन किया हुआ है दिस ट्रिमर सपोर्ट्स USB चार्जिंग, 40 मिनट्स का रन टाइम आपको मिल जाता है। अगर हम चार्जिंग टाइम की बात करें तो वो है 8 आवर्स, 23 टोटल लेंथ सेटिंग मिलता है और इस पर आपको मिलता है दी स्टेनलेस स्टील ब्लेड। अगर वारंटी की बात करें तो ऑल टोटल आपको इस पर 1 ईयर की वारंटी देखने को मिल जाती है। बाकी के स्पेसिफिकेशंस बॉक्स के बैक हैंड साइड में लिखा हुआ है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। अब चलिए फटाफट इस बॉक्स को करते हैं अनबॉक्स। तो बॉक्स को जैसे ही हम खोलते हैं तो सबसे पहले हमें मिलता है यहाँ पे वेगा के तरफ से आने वाली एक वारंटी कार्ड। इसी के साथ साथ आपको यहाँ पे मिलता है एक यूजर मैनुअल, तो जहां पे कुछ बेसिक गाइडलाइन आपको देखने को मिल जाएगी ऑन हाउ टू यूज दिस ट्रिमर। अगर आप ट्रिमर पहली बार यूज कर रहे हैं तो इस यूजर मैनुअल को जरूर पढ़ें। तो बॉक्स के अंदर में हमें मिलता है और एक बॉक्स, तो चलिए इस बॉक्स को भी हम पूरी तरह से खोल लेते हैं ताकि बाकी के एक्सेसरीज को हम बड़ी आसानी से देख पाए। तो जैसे ही हम बॉक्स को पूरी तरह से खोलते हैं तो हमें मिलता है हमारा वेगा T1 ट्रिमर। इसके बारे में आपको पूरा डिटेल में बताएंगे हम, उससे पहले जान लेते हैं इसके अलावा आपको इस बॉक्स में और कौन कौन सी एक्सेसरीज मिल जाती है। ट्रिमर के अलावा आपको इनसाइड द बॉक्स मिलता है एक चार्जिंग केबल। तो ये जो केबल है आप बड़ी आसानी से अपने स्मार्टफोन के साथ आने वाले चार्जर पर कनेक्ट करके अपने ट्रिमर को चार्ज कर पाएंगे। इसके अलावा आपको मिलता है एक ट्रिमर ऑयल। इसके अलावा एट दी एंड आपको मिलता है एक क्लीनिंग ब्रश, जिसके हेल्प से आप ट्रिमर में फंसे हुए बाल को बड़े आसानी से क्लीन कर पाएंगे। तो बस यही है कुछ एक्सेसरीज जो आपको इस वेगा T1 ट्रिमर के साथ में मिल जाते हैं। सो गाइस, ये है हमारा वेगा T1 बियर्ड ट्रिमर जो कंप्लीटली प्लास्टिक का बना हुआ है। और एक चीज मुझे बहुत ही अच्छा लगा वो है इसका साइज। आप देख सकते हैं बहुत ही छोटे साइज में आता है ये ट्रिमर और पकड़ने में भी बहुत ही आसानी से बहुत ही बढ़िया ग्रिप आपको इस ट्रिमर में देखने को मिल जाती है। तो यहाँ अगर ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो मुझे इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी सही लगी। एट दी टॉप दिया हुआ है कॉम, जिसके हेल्प से आप डिफरेंट सेटिंग में अपने बियर्ड को ट्रिम कर पाएंगे। और ये है डायलर, जिसके हेल्प से आप ट्रिमर के सेटिंग को चेंज कर पाएंगे। मिनिमम सेटिंग है 1 mm और जैसे जैसे डायलर को आप घुमाएंगे आपका सेटिंग चेंज हो जाएगा। और मैक्सिमम सेटिंग जो आपको इस ट्रिमर में देखने को मिलता है वो है 12 mm। डायलर के ठीक नीचे दिया हुआ है पावर ऑन एंड ऑफ का बटन और ठीक उसके नीचे यहाँ पे वेगा का ब्रांडिंग दिया हुआ है। एट दी बॉटम अगर हम देखें तो मिलता है चार्जिंग पोर्ट एंड एट दी बैक हैंड साइड इस ट्रिमर का मॉडल नंबर वगैरह मेंशन किया हुआ है। अगर आप चाहो तो इस कॉम को खोल करके भी अपने बियर्ड को ट्रिम कर सकते हैं। अगर कॉम को खोलना है तो मेक श्योर ट्रिमर का सेटिंग मैक्स टू मैक्स 12 mm पे हो और अपने कॉम को हल्का सा ऊपर की ओर स्लाइड कर देंगे लाइक दिस, तो आप देखेंगे आपका कॉम बड़े आसानी से बाहर आ जाता है। इस ट्रिमर को मिलता है सेल्फ शार्पनिंग स्टेनलेस स्टील ब्लेड। अगर आप चाहो तो इस ब्लेड को खोल सकते हैं और खोलने के बाद पानी से आप इसको धो भी सकते हैं। अगर हम ट्रिमर के अंदर देखें तो यहाँ पे दिया हुआ है एक मोटर, जिसके हेल्प से आपका ट्रिमर का ब्लेड मूव होता है और आप अपने बियर्ड को बड़े आसानी से ट्रिम कर पाते हैं। तो चलिए ब्लेड को दोबारा हम यहाँ पे कुछ इस तरह से लगा लेंगे और कॉम को भी लगाना बहुत ही आसान है। बस आप इसको यहाँ पे हल्का सा स्लाइड करेंगे और आपका कॉम देखिए बड़े आसानी से यहाँ पे अटैच हो जाएगा। दोस्तों अब फाइनली वक्त हो चुका है इस ट्रिमर से अपने बियर्ड को लाइव ट्रिमिंग टेस्ट करने का और पता करने का इस ट्रिमर की परफॉर्मेंस कैसी है। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने बियर्ड को लाइव ट्रिम टेस्ट करके आपको दिखाते हैं। सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं फाइनली हमने अपने फेस को पूरी तरह से ट्रिम कर लिया है। बिफोर ट्रिमिंग हम दिख रहे थे कुछ ऐसे और आफ्टर ट्रिमिंग दिख रहे हैं कुछ ऐसे, और दोनों ही वीडियो को साइड बाय साइड कंपेयर करके आप अंदाजा लगा सकते हैं
हाउ इज द ट्रिमिंग परफॉर्मेंस ऑफ दिस वेगा T1 बियर्ड ट्रिमर। अगर आप मेरी बात माने दोस्तों, ट्रिमर की परफॉर्मेंस काफी अच्छी है, छोटे साइज में ट्रिमर आ जाता है, हाथों में काफी बढ़िया ग्रिप मिल जाता है और ट्रिम करते वक्त हमें कोई भी परेशानी नहीं आई। तो अगर आपके बजट कम है और कम दाम में एक बेहतरीन ट्रिमर आप ऑनलाइन ढूंढ रहे हैं तो डेफिनेटली आप इस वेगा T1 ट्रिमर को जरूर ट्राई कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अगर आप इस ट्रिमर को ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं सबसे सस्ते दाम में, तो इसका बेस्ट बाय लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी, डायरेक्टली आप वहां से बाय कर सकते हैं। चैनल वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकॉन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।